आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज द ब्रास स्केल ऑफ बैरोमीटर गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 0°C. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज 2×10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। द बैरोमीटर रीड्स 75 cm एट 27°C. ठीक है, वॉट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट 27°C? ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सिंपल बैरोमीटर के बारे में बताया गया है जिसमें ब्रास की स्केल लगी हुई है जो कि 0°C पे करेक्ट रीडिंग देता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, 27°C तक चेंज हो जाता है, तो बैरोमीटर की रीडिंग जो हो जाती है वो 75 cm आती है। ठीक है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे फाइंड करना है। बी पार्ट क्वेश्चन का क्या है, ए बैरोमीटर रीड 75 cm ऑन स्टील स्केल, द रूम टेम्परेचर इज 30°C एंड द स्केल करेक्टली ग्रेजुएटेड एट 0°C। रूम टेम्परेचर यहाँ पे 30°C हमें दिया हुआ है। ठीक है, द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज यहाँ पे 1.2×10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ ये बता दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ध्यान दीजिएगा ये वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मरकरी है। ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1.8×10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे भी हमें करेक्टेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना होगा। ठीक, आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्केल रीडिंग इंटू 1+α(θ-θ0). ठीक है, यहाँ पे हमें स्केल रीडिंग दी हुई है। ये सिंपल यहाँ पे लीनियर थर्मल एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। स्केल भी एक स्ट्रिप की तरह होगी जो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्ट्रिप की लेंथ बढ़ जाएगी, वो हम ट्रू वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसा कि हम पहले करते थे, है ना। और स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, इनिशियल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें स्केल रीडिंग गिवन है, स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 75 cm ये गिवन है। ठीक, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है, θ-θ0 इक्वल टू ये 0°C से 27 में आ रहा है तो 27-0। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कितना आ गया, 27°C। तो ट्रू वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग है 75 × 1+α कितना दिया हुआ है हमें ब्रास का, 2×10⁻⁵। ठीक है, टेम्परेचर चेंज 27°C। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ट्रू वैल्यू आ गई हमारी 75.04 cm। ये ए पार्ट हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम बी पार्ट के लिए देखते हैं क्या पूछा हुआ है। बी पार्ट, पहले पार्ट की तरह हम दूसरे पार्ट बी पार्ट में भी देखते हैं, इसको करते हैं अब बी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू स्केल वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग इंटू 1+α(θ-θ0). ठीक है, यहां से वैल्यूज रखते हैं, स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है,
75 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टील के लिए, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, 30 माइनस 0 यानी 30। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, तो आपका ये वैल्यू आ जाता है 75.027 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके लिए हमें वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मरकरी दिया हुआ है, ये वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मरकरी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, लेट हमने मान लिया कि मरकरी कॉलम की लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस पे एल नॉट है, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एल नॉट। ठीक है, ये ज्यूम कर लिया हमने। ठीक, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, एल 30 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 3। गामा क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम है इसलिए डिवाइड बाई 3 किया हमने, इंटू टेम्परेचर चेंज थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस गामा कितना दिया हुआ है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, 30 माइनस 0। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो एल 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.0018 इंटू एल नॉट। यहाँ से हम एल 30 निकाल चुके हैं, वो कितना आया, 75.027, 30 डिग्री सेल्सियस पे आया था इसके ट्रू स्केल वैल्यू। तो हम यहाँ से एल नॉट निकाल लेते हैं, तो ये 1.0018 एल नॉट इज इक्वल टू 75.027। यहाँ से एल नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो एल नॉट हमारा आ गया 74.89 सेंटीमीटर। ये हमारी करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।